हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपको लेकर के आया हूँ आज पुरानी दिल्ली इलाके में। पुरानी दिल्ली में आज चलेंगे हम जामा मस्जिद। आज फ्राइडे भी है और 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो जुमा की नमाज़ का टाइम भी हो गया है, तो आइए मेरे साथ। जस्ट एग्ज़िट किया और आप सामने देख सकते हैं कि हमें जामा मस्जिद दिखाई दे रही है। अच्छा, पहले यहाँ भी दुकानें लगती थी? हाँ, अब यहाँ पर दुकानें बंद कर दी। अरे बेटा, पेट के लिए तो करता ही है। जब ईद की नमाज होती होगी तो यहाँ पर भी लोग बैठते होंगे? सब होती है। ये पूरे मैदान वगैरह बैठ जाते हैं? पैर रखने को जगह नहीं है। सबसे बड़ी मस्जिद यही है हमारी। लेफ्ट होकर राइट वन है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के सामने हम आ गए हैं सीधे चलते हुए, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये जो मार्केट है यही मीना बाजार है। जामा मस्जिद को 2 बार आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा। ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला जैसी हिंदुस्तान की तमाम ऐतिहासिक इमारत का निर्माण कराने वाले 5वें मुगल शासक शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। 6 अक्टूबर 1650 को जुमे के दिन लाल किला के सामने एक चट्टानी पहाड़ी पर शाहजहां ने खुद इसकी बुनियाद रखी। दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीन, संगतराशों, आला दर्जे के खत्तातों, मशहूर फनकारों और नक्काशों समेत करीब 6000 मजदूरों ने इस इमारत की तामीर में हिस्सा लिया। 6 साल लंबे वक्त के बाद 1656 में यह मस्जिद बनकर तैयार हुई। सहन में जाने से पहले आपको गेट के बाहर ही जूते उतारने होते हैं, या फिर आप अपने हाथों में जूते लेकर अंदर आ सकते हैं। काम किए हुए बड़े से शाही दरवाजे को पार करके सहन में पहुंचते हैं। 370 साल पहले बनी यह मस्जिद आज भी देश की बड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। 100 वर्ग मीटर के सहन में एक साथ 25,000 लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। आते में आने के लिए 3 गेट हैं। गेट नंबर 1 जो कि मेन गेट है, ईस्ट गेट है, और हम यहाँ भी गेट नंबर 2 से आए हैं, और एक यहाँ गेट नंबर 3 है, और ये बावली जहाँ पर लोग वजू कर रहे हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है जुमे की नमाज का, तो लोग आते जा रहे हैं वजू करके बैठते जा रहे हैं। उन दिनों उज्बेकिस्तान का शहर बुखारा इल्म का मरकज़ था। ऐसे में शाहजहां ने शाह बुखारा को ख़त लिखा कि जामा मस्जिद की इमामत के लिए सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी आलिम को भेजा जाए। शाह बुखारा ने अपने दामाद सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी को शाहजहांबाद भेजने का फ़ैसला लिया। गौरतलब है कि उन दिनों दिल्ली का नाम शाहजहांबाद हुआ करता था। शाहजहां ने अब्दुल गफूर शाह बुखारी को पहला शाही इमाम मुकर्रर किया। इसके बाद से जामा मस्जिद की इमामत बादशाह की मंशा के मुताबिक इसी बुखारी ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। मौजूदा वक्त में सैयद अहमद बुखारी 13वें शाही इमाम हैं। उज्बेकिस्तान के शहर बुखारा से ताल्लुक़ रखने के कारण इनके नाम के साथ बुखारी शब्द लगा हुआ है। दोपहर के 1 बजने को है और नमाज़ अदा करने का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है, नमाज़ अदा करने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और भीड़ बढ़ती जा रही है लेडीज़ों की भी बड़ी तादाद में। यहाँ पर जामा मस्जिद में स्पेशली लेडीज़ों के लिए जगह बनाई गई है जहाँ पर वो बैठ करके नमाज़ अदा कर सकती हैं। ये जहाँ लोग वजू कर रहे हैं उसके पीछे का एरिया, और यहाँ पर जो रेलिंग लगी है उसके पीछे, और सामने जो रेलिंग दिख रही है ये एरिया सिर्फ लेडीज़ों के लिए रिजर्व है। जो भी दिल्ली घूमने आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं जामा मस्जिद जाऊँ, और यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे हैं जो कि सिर्फ आज जुमा है तो जुमा की नमाज़ देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बैठे हुए हैं जगह लेकर के। सर, आप कहाँ से आए हैं? असम से आ रहे हैं। असम से आए हैं, तो आप नमाज देखने के लिए आए हैं? जुमा नमाज देखने के लिए। ओके, तो जुमा नमाज देखने के लिए ऐसे यहाँ पर लोग बहुत सारे कतार में बैठे रहते हैं और वो नमाज को देखते हैं, हम भी देखेंगे।
ابھی ابھی اذان ہوئی ہے اور اب لوگ یہاں سنت پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد خطبہ اور جمعے کی نماز ادا کی جائے گی۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں مسلم پسند لا بورڈ کے چند مٹھی پر لوگوں کی طرف سے یہ اعلان سنا ہوگا کہ ہم سپریم کورٹ شاہی امام نے تقریر کی ہے۔ 10-12 منٹ کی تقریر میں شاہی امام نے ایک اہم سماجک مسئلے پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے فیصلے سے اپنی اسہمتی جتائی ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ اور جمعیت علماء کو خبردار کرتا ہوں کہ ہم تمہارے تمہیں اور تمہارے فیصلے کو نکالتے، اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف جمعیت علماء اور مسلح بورڈ پر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو عقل کے ناخن لے لو، یہ تنبیہ میں تمہیں کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جامع مسجد کا اصل نام ہے مسجد جہاں نما، یعنی کہ پوری دنیا کو دیکھنے والی مسجد۔ جامع مسجد میں 3 گنبد اور 2 40 میٹر اونچی مینارے ہیں۔ 50 روپے کا ٹکٹ لے کر ہم مینار کے اوپری حصے سے اس مسجد کے اصل نام کے مطابق جہاں نما کریں گے۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ 110 سیڑھیاں ہیں اور یہ ٹاور میں سب سے اوپر تک جانے کی ابھی پرمیشن ہے۔ اسموگ کے چلتے بہت دور تک کا نظارہ تو نہیں دکھ رہا، لیکن جتنا بھی دکھ رہا ہے بہت ہی دلکش، بہت ہی شاندار نظارہ ہے۔ سامنے 500 میٹر پر لال قلعہ دکھ رہا ہے۔
दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दिख रहा है। जामा मस्जिद में दो मीनारें हैं, एक पर ये हम खड़े हैं और दूसरी वो सामने दिख रही है, और इसमें तीन गुंबद भी हैं और जो बीच वाला गुंबद है वो मुख्य गुंबद है जो कि थोड़ा सा बड़ा है बाकी दो गुंबद से। इतनी ऊंचाई से देश की राजधानी को देखना एक अलग एहसास देता है। चलते हैं अंधेरी सुरंग में जो कि वन वे है, अगर कोई सामने से आ जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जामा मस्जिद पूरे टाइम सुबह से शाम तक टूरिस्ट से गुलजार रहता है यहाँ पर, लेकिन इस कैंपस में आप शॉर्ट कपड़े पहन करके नहीं आ सकते हैं। अगर आप स्कर्ट पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, जेंट्स या लेडीज़, तो उन्हें यहाँ पर जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कपड़े प्रोवाइड कराता है फुल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉरनर ग्रुप है। उस ज़माने में जब मिस्त्री दो पैसे और मजदूर एक पैसा दिहाड़ी के हिसाब से मजदूरी लेते थे, तब इसकी कुल लागत 10 लाख रुपये आई थी, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी। मस्जिद की तामीर में इस बात का ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किला में मौजूद तख्त शाही यानी कि बादशाह के जो राज्यसभा में बैठने की जगह होती है उससे ऊंचा रहे। नक्काशी हो, झूमर हो, सब कुछ मुग़ल काल की याद दिला रहा है, एक इतिहास समेटे हुए। मेहराबों पर शानदार नक्काशी है। मुख्य मस्जिद में मार्बल और सैंडस्टोन का ही इस्तेमाल किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर सूरज ढलने तक यहाँ आया जा सकता है। खुदा के घर में दिली सुकून भरे कई घंटे कब कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और अब वक्त है रुखसत का। क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्तखर मुस्कान दिख रही है। दोस्तों, जामा मस्जिद का सफ़र यहाँ पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमित कुमार डायरीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नई डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।